भारतीय जनता पार्टी की ओर से ममून की खस्ता हालत सड़क के चलते रोष प्रदर्शन का आयोजन विधायक दिनेश सिंह बब्बू के नेतृत्व में किया गया, जिसमें विशेष रूप से जिला अध्यक्ष भाजपा विजय शर्मा व वीना परमार उपस्थित हुई। इस मौके पर अपनी बात रखते हुए दिनेश सिंह बब्बू और विजय शर्मा ने कहा कि 2014 में उनके कार्यकाल में ये सड़क बनी थी, उसके बाद ये सड़क टूटती रही, किसी ने नहीं बनाया। 2016 में उन्होंने इस सड़क को बनाना था, लेकिन सरकार बदल गई और ये सड़क नहीं बनी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से तो अपना पूरा सहयोग दिया गया है, लेकिन पंजाब सरकार अपना सहयोग देने में पीछे है। यही कारण है कि लोग सुविधाएं मिलने में पीछे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है। प्रदर्शन इस करके कर रही है कि जिहड़ी कैप्टन सरकार जिहड़ी सुते दी है उन्हें जगाने वास्ते हर संभव प्रयास करेगा, नहीं कि लगातार धरने प्रदर्शन करेगा। और तुहाडे सामने ये पठानकोट जिले की जिहड़ी सड़क है उन्दा कितना बुरा हाल है। पहले अभी पठानकोट जिहड़ा मनवाल रोड गया उत्ते धरने बैठे, कसाईपुर बैठे, अज इत्थे बैठे हैं। ममून देखो तुसीं चक्की तक की हाल है, उही सड़क दस दिओ जिहदा जिहड़ी कोई रिपेयर होए करदी है जां कोई कम चले। लगातार मतलब पंजाब सरकार हर मोर्चे फेल हुई है। और सरकार ने जिसले वोटां लैनी है उसले लोगों नाल किन्ने वादे किए, कोई एक वादा दस दिओ जिहड़ा सरकार ने पूरा किया। और देखो ये जिहड़ी सड़क बड़ी अहम सड़क है, इहते बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। डिफेंस रोड है, इहदा उद्घाटन मेरे समय च होया। थले देखो आई चौंक च बोर्ड लगे था विनोद खन्ना जी का, 2016 च इहदा उद्घाटन आया है, अज तक सड़क नहीं बनी। इहदी 60-40 रेशो नाल पैसे जिहड़े ना 60% पैसे सेंटर देने, 40% पैसे देने पंजाब ने। सेंटर ने पैसे तो 4 साल हो गए ना, इन्हां नूं सड़क फिर नहीं बनी करदी। और किन्नी वार इसे एक्सीडेंट होए ना, कुछ मौतां भी इत्थे होई ना, लेकिन ना तो लोकल को कांग्रेसी किसी को शर्म आया करती इस गल की, फिर ना कोई उपरों को जाके करता। तो सामने जरा मनवाल के धरना हिलाए हुए कहते हफ्ते काम शुरू होना, कोई उदा बेली है। इस करके सरकार कुछ भी करना नहीं चाहती और मजबूर ने सानू जरा सड़क पर आना पे करता है। बाकी जेडे MLA जो मर्जी कही जाना, सच्चाई थोड़े सामने है कि जो हालत सड़क की है, बाकी काम देख लो कोई काम हो। इस करके अज मजबूर सानू सड़क के फिर तो बैठना पे है, जे नहीं शुरू करे काम तो फिर अं बैठना। तो मैं पंजाब सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन कर रही है, पंजाब सरकार नू जगा रही है। 2016 दे विच इस सरकार का साढ़े विधायक दिनेश सिंह बब्बू जी ने नींह पत्थर रखा सी। 2017 दे विच पंजाब सरकार कांग्रेस की सरकार बनी और उस दिन तो लैके अज 3.5 साल तक इस सरकार मतलब इस सड़क की हालत पहले ही इन्नी जर्जर सी और उस ते रोज आए दिन हादसे होंदे सी और इत्थे 2-3 मौतां भी होईयां। रोज अखबारां विच खबरां लगनियां, फिर पंजाब सरकार नूं किते इस तरस आया और शुरू किया काम। शुरू करने तो बाद पहले फिर भी थोड़ी सड़क का हालात ठीक थी जदों शुरू किया, उस तो बाद नजरी पा के इधर मिट्टी के ढेर लगा के बरसातों तो पहले इन्ने बुरे हालात हो गए कि लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया। अज तुसी सामने देख रहे हो कि अज सड़क के इन्ने बुरे हालात ने ते बरसातों के दिनों में किन्ने होणगे। उत्तों कोरोना की मार, पूरे बाजार के विच कोरोना की मार चल रही है। उसनू एक पासे कोरोना की मार, दूजे पासे पंजाब सरकार की मार। अज तक असी बड़ा ही सारे थोड़े दिन पहले पत्थर बजया गड्डी दे आन नाल किसी दुकान दे अंदर और असी पंजाब सरकार नू अज जगान आए हैं, क्योंकि सबर दी भी कोई हद हुंदी है। अज सबर दा सारा बांध टुट गया ते असी पंजाब सरकार तो ये मंग करने हैं कि जल्दी तो जल्दी इत्थे सामने तुसीं देख रहे हो कि इत्थे सैनिक साडे जो देश की रक्षा करते हैं उन्हां दीआं गड्डियां जा रहीआं ना, उन्हां नू इन्नी मुश्किलां दा सामना करना पै रहा। साडी मोदी सरकार ने उत्थे सड़कां बना दी सैनिकां दी जिथे 17 सालां तक नहीं, 60-65 साल तक कांग्रेस सरकार नहीं बना सकी। इत्थे ते बड़ी बड़ी मुश्किल गल नहीं है, लेकिन पंजाब सरकार दा ध्यान पंजाब दे हालात खराब करन विच है, सुधारन विच नहीं है। अज असी कोरोना नू देखदे हुए
अज बड़ी घट गिनती दे विच बाहर आया, अगर ये सड़क का काम जल्दी जल्दी शुरू नहीं होया तो मैं लगता हर परिवार इस सड़क वास्ते जां गलिया दे इन्ने बुरे हालात ना कि लोगों का लंघना मुश्किल है, सारे परिवार आने बाहर तैयार ने, तो असीं सरकार तो बेनती करने हैं नाल मंग करने हैं कि जल्दी तो जल्दी इस सड़क का सड़क बनाया जाए।